पावर स्टार पवन सिंह और बॉलीवुड के शॉटगन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा जब दोनों मैदान में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे तो शत्रुघ्न सिन्हा का दमदार डायलॉग कुछ इस अंदाज में होगा। नाम कहाँ है? वो तो पिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान में। पवन सिंह नाम, माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस यही मेरा मालिक है, एकराबाद हम केहू के हइए समझी ले। जवाब पावर स्टार पवन सिंह भी कुछ इसी अंदाज में देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का टिकट, जी हां, यानी कि बीजेपी की तरफ से टिकट कंफर्म हो चुका है और जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ चुका है। जी हां, पावर स्टार पवन सिंह का दिली तमन्ना था, यानी कि उम्मीद था कि वो आरा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अपने घर से लड़ेंगे और जो भौकाल बनाया जा रहा था, यूं कहें तो पूरा का पूरा मैटर जिस तरीके से चल रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह आरा से ही चुनाव लड़ेंगे, और आरा से चुनाव लड़ते तो भाई एकदम एक तरफा हो जाता, आरके सिंह को हटा के अगर किसी पवन सिंह को दिया जाता तो माहौल कुछ और होता। लेकिन ऐसे में पावर स्टार पवन सिंह अब एक बार फिर से, यानी कि जो पिछली बार होने वाला था वो इस बार हो चुका है। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता से आगे आसनसोल, और आसनसोल कोलकाता के बाद सबसे बड़ा शहर है। जी हाँ, और वहीं से यानी कि वहां से अभी हमारे शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं, यानी कि शॉटगन दमदार डायलॉग जब स्क्रीन पे बोलते हैं तो भैया लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। लेकिन इस समय वहां के जो बॉस हैं यानी कि सांसद हैं वो शत्रुघ्न सिन्हा, और ऐसे में बीजेपी, जी हाँ, बीजेपी पावर स्टार पवन सिंह को उतार दिया है मैदान में, तो जाहिर सी बात है कि इधर बॉलीवुड वाले दिग्गज और इधर भोजपुरी का दिग्गज, यानी कि दोनों सुपरस्टार जब मैदान में होंगे, जब दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का जो खेल चलेगा तो दमदार डायलॉग्स होगा। और पवन सिंह भी डायलॉग डिलीवरी में मास्टरमाइंड है भैया, उनके भी दमदार डायलॉग एक से एक बढ़कर भोजपुरी गानों में या फिर भोजपुरी फिल्मों में आपको देखने को मिलता है। और शत्रुघ्न सिन्हा का क्या कहना, शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्मों को देखकर हम बड़े हुए हैं और जिस तरीके से उनका जो डायलॉग है वो भाई पहले से ही वायरल है, तो जाहिर सी बात है दोनों के दमदार डायलॉग होने वाले हैं। और इधर बॉलीवुड और इधर भोजपुरी में जबरदस्त टक्कर होने वाला है। इधर भोजपुरी के कलाकार सब जाएंगे आसनसोल यानी कि पवन सिंह के तरफ से चुनाव प्रचार करने के लिए, उधर बॉलीवुड के कई कलाकार हो आएंगे शत्रुघ्न सिन्हा के चुनाव प्रचार करने के लिए। अब देखना होगा कि क्या वाकई में ही ये जो मामला है कितना गर्मा गर्मी होगा, कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा यह तो फिलहाल बाद में पता चलेगा। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह को जो टिकट मिला है उसके लिए बहुत ही शुक्रिया, क्योंकि अब लग रहा है कि चौथा सांसद जो है वो बीजेपी से ही बनेंगे, क्योंकि तीनों जो सांसद हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी से ही, पहले मनोज तिवारी, दूसरे रवि किशन, तीसरे निरहुआ, और चौथा जो फाइनली होंगे वो है हमारे पावर स्टार पवन सिंह। फिलहाल क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, दोनों के दमदार डायलॉग के बारे में, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।